नमस्ते बच्चों, आज हम आपको लालची कबूतर की कहानी सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं ये कहानी। एक जंगल में कबूतरों का एक बड़ा समूह रहता था। सभी कबूतर रोज सुबह भोजन की तलाश में निकलते थे। कबूतरों का राजा कबूतरों से कहता था कि वे जो भी भोजन देखेंगे वे आएंगे और अपने बाकी साथियों को बताएंगे, और फिर सभी कबूतर एक साथ दाना खाएंगे। इस प्रकार उस दल के सभी कबूतरों को भरपूर भोजन मिलता था। एक दिन एक कबूतर भोजन की तलाश में काफी दूर तक उड़ गया। जंगल के बाहर रास्ते पर आया। इस रास्ते से गाड़ियों में अनाज के बोरे भरकर ले जाया जाता था। रास्ते में कई अनाज वाहनों से गिरकर सड़क पर बिखर जाते। वाहनों से भरा अनाज देखकर कबूतर बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसे कोई और जगह खोजने की जरूरत नहीं थी। भोजन से भरी एक ट्रक हर दिन यहाँ से गुजरता था, और अनाज सड़क पर भी हर दिन बिखर जाता था। कबूतर के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि वह उस जगह के बारे में किसी को नहीं बताएगा और हर रोज इसी तरह से खाना खाएगा। उस शाम जब कबूतर अपने समूह में वापस आया, तो उसके बाकी साथियों ने पूछा कि उसे देर क्यों हुई। कबूतर ने एक अनोखी कहानी भी बताई कि वह किसी तरह अपनी जान बचाकर आया है। इतने वाहन उस सड़क से गुजरते हैं, रास्ता पार करना मुश्किल है। यह सुनकर बाकी कबूतर डर गए और सड़क के पास न जाने का फैसला किया। उसी रास्ते पर वही कबूतर जाता और भरपेट भोजन करता। एक दिन कबूतर सड़क पर बैठकर खाना खा रहा था। वह खाने के लिए इतना खुश था कि वह कार की आवाज नहीं सुन सका। कार भी तेजी से आगे बढ़ रही थी और कबूतर दाना चुगने में मगन था। तभी कार आ गई और कबूतर को कुचलते हुए आगे निकल गई। इस तरह कबूतर ने अपने लालच की वजह से अपनी ही जान गंवा दी। कहानी की सीख: लालच एक बुरी समस्या है, कभी लालची मत बनो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।